वहीं चुनावी साल में आए रक्षाबंधन पर्व पर भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस दोनों ही महिलाओं को लेकर दिल खोलकर घोषणाएं की हैं। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की घोषणा के बाद अब पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने रक्षाबंधन पर्व पर महिलाओं से 5 वादे किए हैं। दरअसल मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने रक्षाबंधन पर्व पर लाडली बहनों को 250 रुपए अतिरिक्त देने का ऐलान किया। इसके बाद अक्टूबर माह से महिलाओं के खाते में 1250 रुपए प्रति माह डालने का भी ऐलान किया। इस घोषणा के बाद अब कांग्रेस ने भी रक्षाबंधन पर्व पर 5 वादे कर दिए। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने कहा है कि अगर उनकी सरकार बनी तो प्रदेश की महिलाओं से 5 वादे निभाए जाएंगे। पीसीसी चीफ कमलनाथ ने वादा करते हुए कहा है कि उनकी सरकार बनने पर 500 रुपए में गैस सिलेंडर मिलेगा। इसके अलावा नारी सम्मान योजना के तहत महिलाओं को 1500 रुपए प्रति माह दिए जाएंगे। अभी इसी क्षण सिंगल क्लिक से तुम्हारे खाते में मैं राखी के लिए 250 रुपया अभी डालने का काम कर रहा हूं ताकि राखी ठीक से मन सके। काय क्लिक, ये सिंगल क्लिक तुम्हारे सामने कर रहा हूं। तुम्हारे बैंक अकाउंट मेरे पास है, आज ही ये पैसे अब तुम्हारे खाते में पहुंचने वाले हैं ताकि तुम्हारा राखी का त्योहार ठीक ढंग से मन पाए। देखो मेरी बहनों, राखी के पैसे का इंतजाम अब तुम्हारे लिए तत्काल हो रहा है ताकि राखी धूमधाम से मनाओ, आनंद से मनाओ, प्रेम से मनाओ। ये सिंगल क्लिक करके मैं अपनी बहनों के खाते में 250 रुपया भी भेज रहा हूँ राखी के पहले। मेरी सब बहनों